बढ़ते आगे बात करते हैं मौसम की। जो है एमपी में मौसम का यू टर्न देखा गया है। प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। बता दें ग्वालियर, सागर, रीवा, भोपाल में बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही उमरिया, डिंडौरी, जबलपुर, छिंदवाड़ा में ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और खास बात यह कि बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बारिश और ओलावृष्टि का लगातार एमपी में अलर्ट जो है मौसम विभाग जारी कर रहा है। देखिए तस्वीरें, जो एमपी में मौसम ने यू टर्न ले लिया है। अप्रैल में झुलसती गर्मी जो है लोगों को परेशान कर देती है, लेकिन इस साल ये जो बारिश है, बेमौसम बारिश लोगों को हैरान कर रही है, क्योंकि लगातार बारिश का दौर एमपी में देखा जा रहा है। लेकिन ये बारिश जो है किसानों के लिए भी आफत बनकर बरसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि फसलों को बड़ी संख्या में नुकसान हो रहा है। भोपाल से मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मितांशी, एमपी में लगातार बारिश का जो दौर है वो देखा जा रहा है। इस समय राजधानी भोपाल की बात करें तो इस समय कैसा मौसम वहां पर? बिल्कुल, देखिए फिलहाल अगर हम बात करें तो 30 अप्रैल हो चुकी है, अप्रैल का आखिरी दिन है, कल से मई शुरू हो जाएगा। लेकिन मौसम बिल्कुल भी अप्रैल जैसा नहीं है। अप्रैल में सावन के हालात बढ़ गए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई जिलों में बादलों का डेरा देखने को मिल रहा है। फिलहाल राजधानी भोपाल के ही मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे सुबह का 8 बज रहा है तो चिलचिलाती धूप होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से छांव है, क्योंकि मध्य प्रदेश और भोपाल में खासकर जो है बादल जो है वो फिलहाल छाए हुए हैं, जिसके कारण लगातार प्रदेश भर में तापमान गिर रहा है। राजधानी भोपाल की अगर हम कल की बात करें तो यहाँ पर कल जो है देर शाम बारिश का दौर भी देखने को मिला था। साथ ही साथ आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट है, जिसमें ग्वालियर, चंबल संभाग, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, भोपाल, जबलपुर, शहडोल, इंदौर, उज्जैन, पूरा अगर हम ग्वालियर, चंबल संभाग या फिर मालवा, निमाड़ संभाग की बात करें, यहाँ सभी जगह पर आज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही साथ श्योपुर, गुना, देवास, शाजापुर, उमरिया, नरसिंहपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जताया है। प्रदेश भर में हमने देखा है कि जो अप्रैल का शुरुआती दौर था, मार्च का शुरुआती दौर था, काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, ओलावृष्टि के कारण देखिए किसान भी खासे परेशान होते हुए नज़र आए थे। लेकिन अब जिस तरीके से बुरहानपुर, खंडवा और अन्य जगहों पर ओलावृष्टि हो रही है और बारिश हो रही है, किसानों की फसलों को देखिए इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। आगामी मौसम की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आने वाले 3 से 4 दिनों तक इसी तरीके का मौसम रहने वाला है, यानी बारिश का दौर जारी रहेगा, बादलों का डेरा पूरे मध्य प्रदेश में रहेगा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम फिलहाल अभी बदलने नहीं वाला है। देखिए आगे आने वाले 2 हफ्तों तक प्रदेश में लू चलने की कोई भी आसार नहीं है, क्योंकि 3 से 4 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा और मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगले 2 हफ्तों तक इसी तरीके का मौसम जो है, धूप छांव का मौसम, बादलों का मौसम जो है वो जारी रहने वाला है और प्रदेश भर में अभी गर्मी जो है वो अब नहीं बढ़ने वाली है, यानी कि जो तापमान है वो जो जिलों में अभी 40 के पार हो जाना चाहिए था अप्रैल के मौसम के हिसाब से, वो अब 40 डिग्री के नीचे ही रहने वाला है। देखिए बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट हुई है। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश भर में 3 से 4 डिग्री तापमान सभी जगह पर गिरा है। लेकिन देखिए किसान तो परेशान हो ही रहे हैं, मौसम की मार जो है वो फिलहाल किसानों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन मौसम की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस दौरान अलीशा पिछले 10 सालों में 29-30 अप्रैल के आसपास या इस समय के आसपास कोई बारिश का जो है ट्रेस नहीं देखा गया है, बिल्कुल भी बारिश पिछले 10 सालों में नहीं हुई है, यानी कि मध्य प्रदेश में इस साल रिकॉर्ड टूटता हुआ नज़र आया है, क्योंकि 10 साल बाद अप्रैल में ऐसा मौसम हो रहा है कि 40 डिग्री के पार तापमान नहीं गया है, लेकिन तापमान लगातार गिरता जा रहा है और बारिश का दौर देखिए अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। थोड़ी परेशानी देखिए अभी और होगी, क्योंकि ओलावृष्टि और बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया है, परेशानियां तो होंगी, लेकिन प्रदेश में फिलहाल लोगों को गर्मी से इससे राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लोगों को गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन इसी बीच किसान लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए।